अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन होगा किसी की वजह से, ड्यू टू देयर मोशन। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे के ई से, और क्योंकि ये वर्क डन कर रही है तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय देयर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी यानी जब वो स्टार्ट हो रही थी, चल रही थी, तो वो किसके इक्वल है, वो सिंपल वी के इक्वल है। उसके बाद हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी देखी है, जो कि मतलब वो बॉडी जो है वो रुकी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी का हमें नहीं पता, तो वो इक्वल हो जाएगी जीरो के। फोर्स क्या है? फोर्स हम कहते हैं कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू देयर एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी का फोर्स क्या होता है कि उसका अपना मास कितना है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ये कहलाएगा हमारे पास फोर्स। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखना है, हम ये कह रहे हैं कि उस बॉडी के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्सेलरेशन कैसे, कि वो मोशन में आ रही है, ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गई है बॉडी। जब वो अनबैलेंस होगी तो इसकी एक्सेलरेशन, इसी फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन करेंगे, ये मैं यहाँ तुम्हें तो करके बताती हूँ। चलिए, अब मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जितना भी हमारे पास वर्क डन हुआ है, कब, जब बॉडी जो है वो किसी में हो, मोशन की फॉर्म में हो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो वर्क डन कर रही है और वर्क डन हमारे पास इक्वल है, प्रोडक्ट होता है फोर्स का और उसके डिस्प्लेसमेंट का। अब पहले हम देखते हैं जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जो वो बॉडी की जा रही होती है उसका अपना मास होते हुए वो क्या है, वो सिंपल एक वेलोसिटी के साथ मूव करती है। इसकी जब हम फाइनल वेलोसिटी के देखेंगे तो वो हमें नहीं पता, वो इक्वल है किस चीज़ के, जीरो के। फिर अब फोर्स जो है वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू देयर एक्सेलरेशन। अभी क्या हुआ कि बॉडी जो है वो अपनी जो रेस्ट पोजीशन है, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ जा रही है, उसमें डिस्टरबेंस आ गई है। डिस्टरबेंस आने के बाद उसमें क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। अब हमने इसी एक्सेलरेशन को इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यू, इसको ज़रा हम डिराइव करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, हमें ए की वैल्यू चाहिए, एम हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स पे ये डिवाइड हो जाएगा, सो ए जो है वो इक्वल होगा फोर्स ओवर एम। अब यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव साइन शो किया है, नेगेटिव साइन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसके अपोजिट में प्रोड्यूस हो रही है, यानी वो जिस रफ्तार के साथ बॉडी पहले जा रही थी, जिस फोर्स के साथ, अब ये जो रेजिस्टेंस उसके सामने आ गया वो इसका क्या है, वो उसके अपोजिट में आ गया है, तो इसीलिए वो उसको अपोज कर रहा है उस फोर्स को। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन का यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। देन अब जो हमारे पास, अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि टू ए एस इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, उसमें से माइनस करना होता है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर को। टू का टू हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एम इनटू देयर एस इक्वल है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सिंपल वी के इक्वल है। तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो है माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास इक्वल है सिंपल वी के, और इस वी का मैंने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक। अब इसी फॉर्मूले से अब हमने क्या बनाना है, मेरे पास यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, क्या क्या होगा, एफ एस सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसको मैंने करना कुछ इस तरह है, यहाँ पे टू आ गया, इधर माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम इनटू एस इक्वल टू सिंपल वी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है सिंपल वी का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जी माइनस नहीं आया, तो ये हमारे पास देखें यहाँ पर कि ये 2f हो रहा है, तो ये माइनस की वैल्यू आ रही है, इस माइनस को ये v की वैल्यू इधर आ जाएगी 2 की तरफ, ठीक है, मास इसके साथ पहले ही मौजूद है। एक सेकेंड, मैं ये यहाँ पे आपको करके बताती हूँ, माइनस v का स्क्वायर।
अब क्या करना है, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये m है और ये 2 है, ये माइनस वी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देती हूँ, माइनस वी के साथ डिवाइड कर देती हूँ। नहीं, इसको डिवाइड पहले फिलहाल हमने नहीं करना, इसमें से पहले मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद हम इसके आगे स्टेप पे जाएंगे। ये मेरे पास माइनस वी का स्क्वायर है, हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एफ एस चाहिए, तो एफ एस के साथ क्या है, माइनस टू डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू माइनस वी का स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस ख़त्म, मेरे पास रह क्या गया, टू एस एफ ओवर एम इक्वल टू वी का स्क्वायर। अब एफ एस यहीं पे रहेगा, ये एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज जो है चेंज हो जाएगी, एम ऊपर आ जाएगा, टू जो है वो नीचे आ गया। सेम इसी तरह भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे एम ऊपर आएगा, टू जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये टू टू एम और एम कैंसिल, मेरे पास क्या रह गया है, एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके मास उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड होगा किस चीज पे, टू पे। क्लियर हुआ मैम? लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ, ये वाला हुआ? ये स्टेप अच्छा, ये देखो ये यहाँ तक तो बात समझ आ गई, ये वाला स्टेप यही समझ नहीं आया जो आपने। अच्छा चलो, ये दोबारा से मैं बता रही हूँ, ये मेरे पास क्या है, टू माइनस टू एफ एस डिवाइडेड बाय एम इक्वल है माइनस वी के स्क्वायर, माइनस और माइनस खत्म। ये क्लियर हुआ? yes. मेरे पास अब रह गया है टू एफ एस एम इक्वल है वी के स्क्वायर के। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें एफ और एस की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि वो जितना वर्क डन कर रहा है उसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो एफ यहाँ पे टू ऊपर नॉमिनेटर में है, एम जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको अपोजिट कर दूंगी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसके साइन जो है वो एम यहाँ नीचे आ रहा है, इधर नॉमिनेटर में हो जाएगा, वो नॉमिनेटर में है, इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सेम यही बोथ साइड ऐसा ही करना है, एम ऊपर आ रहा है और टू जो है वो नीचे, यहाँ से ये टू और ये टू ख़त्म, एम और एम खत्म, तो एफ एस इज इक्वल टू, अब पहले मैं क्या कर रही हूँ, एम लिख रही हूँ, उसके बाद वी का स्क्वायर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब टू जो है वो नंबर आ गया, अब टू के साथ क्या करूँगी, इसका मतलब है ये जो ऊपर की वैल्यूज है इनके साथ कौन सा नंबर आ रहा है, वन, वन, यस। तो जब ये वन आ रहा है तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख देती हूँ कि वन और टू को डिवाइड कर देती हूँ, सिंपल एक साइड पे एम और वी का स्क्वायर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज के इक्वल थी, एफ इनटू एस, तो अब ही काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या आ चुका है, वन ओवर टू एम वी स्क्वायर, तो डेरिवेशन हो गई, यस, ठीक। तो ये यहाँ पे इसमें एंड का आंसर देख लो कि इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू को कंबाइन करने के बाद हमारे पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है वो इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। क्लियर? यस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोटेंशियल एनर्जी, और उसको भी हमने सेम डिराइव करना है, कैसे होगा, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें कि ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद तो है लेकिन वो किस वजह से है, उसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है, तो जिस पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में उसकी एनर्जी मौजूद होगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनर्जी तो है उसके अंदर, तो वो बॉडी बेशक वो जो है बॉडी जो है वो कितनी ऊंची है कितनी छोटी है, तो वो उसकी कुछ ना कुछ हाइट तो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेशन हम कुछ इस तरह कर रहे हैं कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास एम है, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी, ग्राउंड से जमीन से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, तो वो कुछ हाइट भी कवर करेगा। तो अब इस बॉडी के लिए जो मेरे पास जरूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी कि जब ये बॉडी ऊपर हाइट की तरफ जितनी गई है वहाँ पे, यानी जमीन से ऊपर की तरफ जाते हुए उसने कितना वर्क किया है, तो उसका कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा उसके फोर्स के, फोर्स मल्टीप्लाई बाय देयर हाइट। फोर्स जो है वो क्या है, अब फोर्स किस चीज को, क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी कोई ना कोई काम करेगी, तो वो W के इक्वल हो जाएगा वर्क डन, सॉरी उसका वेट हो जाएगा, ठीक है, W जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, वेट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट
ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका वजन भी वो इंडिकेट हम करेंगे, वो बताएंगे क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी अमल कर रही होती है इसलिए। तो वेट जो है वो हमारे मास इक्वल होता है, एक तो बॉडी का अपना मास है वो मल्टीप्लाई होगा किस चीज के साथ, ग्रेविटी स्मॉल जी के साथ। तो डब्ल्यू और एच जो है मल्टीप्लाई होगा, डब्ल्यू की जगह हम सिंपल क्या लगा देंगे, एम जी की वैल्यू पुट कर देंगे और हाइट हमारे पास ऐसी ही रहेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी बॉडी जब पोजेस करती है किस चीज के लिए, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अगर ग्राउंड के साथ तो वो एम जी एच के इक्वल होगा एंड इज इक्वल टू द वर्क डन। और ये इसका जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा कि वो बॉडी जो है वो हाइट पे जब जा रही होती है तो वो कितनी लिफ्टिंग इट टू द हाइट, ठीक है, कि वो नीचे से ऊपर की तरफ कितना वर्क डन कर रही है, उसकी हाइट कितनी है, ये कहलाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट है आप लोगों के टॉपिक से, ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आवाज आ रही है आते? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, हमें क्या मतलब क्या है इसका। तो एफिशिएंसी जो है वो असल में कोई भी जब एक यूजफुल मतलब एक डिवाइस हो या एक मशीन हो, जब उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो अपने किसी भी यूजफुल काम के लिए, उससे कोई वर्क डन करवा रहे हो, तो वो रेशियो निकालेगा कि उसका उसने वर्क डन कितना किया है और उसको जो टोटल उसकी एनर्जी है उसने कितनी एनर्जी लेकर कितना काम किया है, ये कहलाएगा उसकी एफिशिएंसी। सेकंड डेफिनेशन फिर ये भी हो सकती है कि ऐसी रेशियो जो कि रिक्वायर्ड होगी किसी भी जिस फॉर्म में भी एनर्जी हमें चाहिए होगी किसी भी सिस्टम को, उसका जो आउटपुट होगा उसकी रेशियो हमने निकालनी है उसके टोटल इनपुट के साथ। तो दोनों फार्मूला जो अभी मैंने आपको बता दिए थे कि एफिशिएंसी इक्वल होगा कि हमें कितनी आउटपुट रिक्वायर्ड है और उसकी टोटल इनपुट हमने उसको कितनी दी है। फिर अगर हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ वैल्यू जो है ये पूरा फार्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, ये हमारे पास उसकी एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। Yes. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सिंपल फार्मूला जो अभी ऊपर दिया है कि आप किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल, और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास भी यही फार्मूला लेगा, ओनली सिर्फ इस फार्मूले को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमने ये बतानी है कि पावर का क्या मतलब है। पावर का मतलब है कि वो रेशो, किसी भी काम करने की रेशो को पावर कहा जाता है। पावर इक्वल होगा जितना वर्क डन हुआ है कि कितने टाइम में वर्क डन हुआ है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब काम कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम इज नोन एज पावर। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सो इसीलिए हमारे पास पावर भी वही होगा क्योंकि उसके अंदर वर्क डन हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमने इसकी यूनिट्स में बता देती हूँ कि हमारे पास जो पावर है उसका सबसे बड़ा जो यूनिट है वो किलोवाट होता है, देन उसके बाद आता है मेगावाट। एक किलोवाट में जो है वो कितने वाट होते हैं, वो 1000 वाट होते हैं। तो अगर मैं 10 को पावर में लिखूंगी तो इसके साथ कितने जीरो आएंगे, 10 की पावर 3। फिर मेगा में कितने होंगे, मेगा जो है वो उसकी 6 के इक्वल हो जाएगा, इसी 3 का डबल जब हम करेंगे तो वो मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे, लेकिन जब हम उसको पावर में लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। एक और इसका यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर, इसको HP से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हॉर्स पावर जो है वो इक्वल है 746 वॉट के। अब ये वॉट है क्या, वॉट हमारे पास क्या है, वो पावर का यूनिट है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, हम ये कह रहे हैं कि वो बॉडी जो है उसकी पावर जो है वो 1 वॉट की है, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी जो काम कर रही है कितने कितना वर्क डन कर रही है, 1 जाउल का काम कर रही है 1 ही सेकंड में, तो उसकी जो पावर होगी वो इक्वल होगी किस चीज़ के, 1 वॉट के। क्लियर? Yes. ठीक है, उसने वर्क डन किया तो वर्क डन का जो पावर है वो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इसकी जो फॉर्मूला होगा यूनिट वो कुछ इस तरह बनेगा कि पावर जो है, मेरे पास कोई भी बॉडी है वो 1 जाउल का काम कर रही है 1 ही सेकंड में, ठीक है,
एक ही सेकंड में। तो वन और वन कितना हो जाएगा, वन ही रहेगा, ठीक है, पावर वन है। और ये किसी यानी अगर मैं इन दोनों के यूनिट्स को एक साथ लिखूंगी तो जाउल पर सेकंड हो जाएगा, और पावर जो है पावर का यूनिट क्या होगा, सिंपल ये वन वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पावर जो है वो इक्वल है वन वॉट में। चलिए ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे पास हो गई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म। Yes.